स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, उसी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं किस स्टेट का व्हीकल है। उसके बाद यहाँ पे आप RTO सेलेक्ट कर लीजिएगा किस RTO में व्हीकल रजिस्टर्ड है। RTO अगर आपको नहीं पता तो सिंपली यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा और बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके प्रिंट फिटनेस सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर या गाड़ी नंबर डालिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता तो सिंपली यहाँ पे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके इस सर्कल पे क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा। ये कैप्चा यहाँ पर डालिएगा, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको फिटनेस का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल डाल लीजिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, जनरेट OTP पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब जो मोबाइल पे OTP आया है उसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक PDF डाउनलोड हो जाएगी और आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर्म 38, यहाँ पे RTO आपको दिख जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनली। उसके बाद यहाँ पे और डिटेल आपको दिख जाएगी, सर्टिफिकेट विल एक्सपायर ऑन, तो सर्टिफिकेट कब एक्सपायर होगा, नेक्स्ट इंस्पेक्शन ड्यू डेट क्या है। यहाँ पे चेसिस नंबर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इंजन नंबर दिख जाएगा, बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा, मैनुफैक्चरिंग ईयर, टाइप ऑफ बॉडी, कैटेगरी ऑफ व्हीकल, प्रिंटेड ऑन किस डेट में प्रिंट हुआ है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आप ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी व्हीकल रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो सिंपली यहाँ पर डाल दीजिएगा व्हीकल। उसके बाद व्हीकल रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल HP टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट RC, व्हीकल RC पर्टिकुलर, और भी काफ़ी व्हीकल रिलेटेड वीडियो आपको दिख जाएगी, इनको आप देख सकते हो। सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अबाउट पे क्लिक कर दीजिएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।